मैं एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर हूँ और मेरे पास पूरा नॉलेज है स्नेक का, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस, निकी से वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। एंड गाइस, आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि हमने आज स्नेक रेस्क्यू किया है एंड रेस्क्यू भी बहुत अर्जेंट में हो गया था, तो हम फुल व्लॉग बना नहीं पाए। मगर मैंने स्नेक को घर पे लाया, घर पे लाने के बाद उसको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद अभी वो स्नेक यहाँ पर है, आप देख सकते हो। स्नेक भी देखो गाइस, फुल सेफ फील कर रहा है। इस स्नेक का नाम है गाइस बैंडर कुकरी स्नेक, और इसको मराठी में भी कुकरी सांप बोला जाता है। और इसको आप कैसे पहचान सकते हो, यहाँ पे देखो, कुकरी स्नेक के सिर पर एक एरो बना होता है एंड उसके जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है आप गाइस देख सकते हो नज़दीक से। ये स्नेक गाइस नॉन विनेमस स्नेक है, बिन जहरीला, इसलिए मैं इसको हाथ में पकड़ा है क्योंकि मैं विनेमस स्नेक को हाथ में पकड़ने की रिक्स नहीं लेता हूँ। और मैंने सांप को पूरा शांत कर दिया है, सांप भी देखो गाइस मेरे साथ सेफ फील कर रहा है, इसलिए मैंने उसको घर पे लाया था। और घर पे लाने के बाद इसको मैंने पानी पिलाया बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ मच गई थी जहाँ पे मैंने रेस्क्यू किया था स्नेक को इसमें। और गाइस, जो मनियार सांप है, कॉमन क्रिएट स्नेक, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है जो रात के वक्त बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, और इसे कुकरी स्नेक को समझ के लोग क्रिएट को हाथ लगाते और वो उनके जान पे खेल जाता है। सो गाइस, घर पे लाए हुए स्नेक को ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग जाने वाले इसको रिलीज करना है। स्नेक को घर पे इसलिए लाया था कि मुझे स्नेक को पानी पिलाना था, जहाँ पे रेस्क्यू किया वहाँ पे पानी पिलाने वाला था, मगर ज़्यादा लोगों की भीड़ हो गई थी उसके कारण मैंने पानी नहीं पिलाया स्नेक को। तो मैं उसको सोचा कि घर के बाजू में रेस्क्यू किया था पास में, तो मैंने सोचा कि घर पे ला के पानी पिला दूँ, देन उसके बाद उसको रिलीज कर दूँगा। तो अभी जाते हैं स्नेक को रिलीज करने, उसको अभी इस बॉटल में डाल के रिलीज करेंगे, बॉटल इसको अभी बॉटल में डाल दें। मैंने कहा तीन बार ट्राई किया है, इस बार बॉटल में चला गया है, और आते आते भी बॉटल में नहीं जा रहा था, एक पन्नी में डाला मैंने तो उसमें से भी बाहर आ गया था। तो बॉटल को गाइस हमने नीचे से होल किए ऑक्सीजन पास होने के लिए। सो हियर वी गो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप स्नेक, बंडू भाई गाड़ी चला रहा है एंड जा रहे अभी हम रिलीज करने। Can I be your superhero? सो गाइज, आ चुके हैं हम इसको रिलीज करने, और हम लोग ऐसे प्लेस पे आए जहाँ पे कोई आसपास रहता नहीं है, लाइक अ फॉरेस्ट एरिया है, तो जाते आगे जाके इसको रिलीज करते। गाइज, मैं स्नेक को अक्सर रेस्क्यू करने के बाद बैग में रखता हूँ, मगर आज ज़रा अर्जेंट में था इसलिए बॉटल में रखा। और जब भी मैं स्नेक पकड़ने जाता हूँ तभी मैं पूरी सेफ्टी के साथ जाता हूँ, शू पहन के जाता हूँ, मेरी स्टिक लेके जाता हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता हूँ जिससे मुझे हार्म होगा। तो आप भी केयरफुली, अगर आप स्नेक रेस्क्यूअर हो आप भी केयरफुली स्नेक रेस्क्यू करना। तो गाइज, मेरा आज का वीडियो देख के आप कभी भी ऐसा ट्राई मत करना। मैं एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर हूँ और मेरे पास पूरा नॉलेज है स्नेक का, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। तो गाइज, आप कभी ऐसा कुछ ट्राई मत करना विदाउट नॉलेज। सो इसको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं गाइज, हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं। इधर देखा, आगे आ गया ना, आ गया जिस तरह बंद कर। सो गाइज, हम लोग अभी स्नेक रिलीज करके घर पे आ चुके हैं एंड गाइज, मैं रेस्क्यू का फुल वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज हम लोग ज़्यादा अर्जेंट में थे। तो घर पे आके रेस्क्यू किट ली और जाके स्नेक रेस्क्यू करने गए, तो रेस्क्यू करते समय भी हमने वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो गया था। तो वहाँ से हमने स्नेक रेस्क्यू किया और डायरेक्ट उसको लेके घर पे आए, घर पे आने के बाद उसको पानी पिलाया, देन डायरेक्ट उसको रिलीज करने चले गए हम। सो गाइज, मेरा वीडियो देख के आप कभी कुछ ऐसा ट्राई मत करना विदाउट नॉलेज, मेरे पास पूरा नॉलेज है इसलिए मैं
ये सब काम करता हूँ। अगर गाइज आपको मेरे रेस्क्यू के वीडियो अच्छे लग रहे हो गए तो मैं नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा और रेस्क्यू के ऊपर। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रेस्क्यू के व्लॉग बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।